नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनव कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोजमर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। अतिथि का जब हम स्वागत करते हैं तो कहते हैं स्वागतम भोः, स्वागतम भोः। इधर से आइए, इतः इतः आगच्छतु, इतः इतः आगच्छतु। यदि कहना हो यहाँ सोफे पर बैठिए, अत्र सुखासने उपविशतु, अत्र सुखासने उपविशतु। वाक्य यदि हो आप क्या लेंगे तो संस्कृत में कहेंगे किम स्वीकरोति भवान, किम स्वीकरोति भवान। आपके लिए चाय बनाता हूँ, भवते चायपेयम् पचामि, भवते चायपेयम् पचामि। या आप कॉफी पीते हैं, यदि हमें इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे उत भवान कॉफी पेयम् स्वीकरोति, उत भवान कॉफी पेयम् स्वीकरोति। वाक्य यदि हो बिस्किट भी खाइए तो संस्कृत में कहेंगे सुपिष्टकम् अपि खादतु, सुपिष्टकम् अपि खादतु। बिस्किट को संस्कृत में सुपिष्टकम् कहते हैं। यह बिस्किट्स घर पर बने हैं, एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति, एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति। नमकीन भी खाइए, लावणिकम् अपि स्वीकरोतु, लावणिकम् अपि स्वीकरोतु। जरा आराम कर लीजिए, किंचित विश्रांतिम् अनुभवतु, किंचित विश्रांतिम् अनुभवतु। क्या आज ही जाना है, किम अद्य एव गंतव्यम्, किम अद्य एव गंतव्यम्। दो दिन ठहर जाओ, दिनद्वयम् तिष्ठतु भोः, दिनद्वयम् तिष्ठतु भोः। रात को नींद अच्छी आई, रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्, रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्। कहाँ चले गए थे, कुत्र गतवान आसीत, कुत्र गतवान आसीत। भोजन करके ही जाना, भोजनम कृत्वा एव गच्छतु, भोजनम कृत्वा एव गच्छतु। घर के पास ही पार्क है, यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति, गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति। हमारा घर पांचवें माले पर है, अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति, अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति। जल्दी ही दोबारा आइएगा, शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु, शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु। तो मित्रों आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं, इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। एक चक्रो रथो यंता।